हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रूज लाइन के बारे में। यूट्यूब पर एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि क्रूज लाइन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज मैं क्रूज लाइन के बारे में कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको देने वाला हूँ। तो अभी मैं अपने रूम में हूँ, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि शेफ इन्फो की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें मैं शेफ के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहां पर आई बटन पर डाल दूंगा और यहां पर क्लिक करके आप शेफ इन्फो की फुल सीरीज देख सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूं। तो अगर आपको फॉलो करना है तो आप सिंपली देसी ब्लॉगर सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा क्रूज लाइन के बारे में। ज्यादा लंबा इस टॉपिक को नहीं लूंगा, बट तीन क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट करे हैं और उनके बारे में आपको मैं डिटेल बताऊंगा। सो आने वाले टाइम में क्रूज लाइन के बारे में और भी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो अगर आपको क्रूज लाइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टे कनेक्टेड और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको अच्छे से सुनिए और फॉलो करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू वॉन्ट टू बी अ शेफ इन क्रूज लाइन, अगर आप क्रूज लाइन में एक शेफ बनना चाहते हैं, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन फिनिश करी है, डिप्लोमा या डिग्री या कुछ भी फिनिश किया है, और अगर आप क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं और एक शेफ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसे सिटीज में अगर आप जाएंगे तो वहां पर क्रूज लाइनर्स हैं, मतलब जो हायर करते हैं क्रूज लाइन्स के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रूज के लिए, बेसिकली अमेरिका के लिए वो हायर करते हैं और क्रूज लाइनर उनको बोला जाता है। तो वो हायर करते हैं ऑनलाइन भी, और अगर आप वहां जा सकते हैं या वहां रहते हैं या आपको कोई रिलेटिव वहां रहता है, तो यू कैन जस्ट पास बाय एंड यू कैन ड्रॉप योर सीवी देयर। आप वहां पे अपनी सीवी देख सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। जैसे भी आपका एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से वो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, वो एंट्री लेवल देना पसंद करते हैं। तो एंट्री लेवल देते हैं, अगर आप कोई सी पोजिशन पे हो तो आपको पूरी कोशिश करेंगे वो लोग कि आपको एंट्री लेवल दे, बट उसके लिए आपको इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद एक टिप देना चाहूंगा इसमें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करंटली वर्किंग सेम फील्ड में करिए। जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें करंटली वर्किंग शो करिए अपने रिज्यूमे में, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए क्रूज लाइन में जाने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपको पासपोर्ट बना होना चाहिए जो कि वैलिड हो, ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद वो एक्सपायर होने वाला हो या 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला हो। एटलीस्ट ये हो कि उसमें टाइम हो अभी एक्सपायर होने में 2-3 साल का, तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका होता है C1D वीज़ा। C1D वीज़ा किसको बोलते हैं मैं आपको बता दूं, ये एक तरह का मतलब कॉम्बिनेशन वीज़ा होता है, दो वीज़ा का कॉम्बिनेशन होता है। तो C1D वीज़ा भी आपको चाहिए होगा। इसमें होता क्या है कि आपका आप बोर्ड कर सकते हैं शिप में या एयरलाइंस में, किसी में भी आप बोर्डिंग कर सकते हैं एज ए क्रू मेंबर। तो अगर आप किसी भी तरह की सर्विस देना चाहते हैं या नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये दो तरह के वीज़ा जो है कॉम्बिनेशन होता है इस वीज़ा में, C1D वीज़ा में। तीसरी जो चीज़ है वो है STC सर्टिफिकेट। STC सर्टिफिकेट क्या होता है? बेसिकली ये सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, ये आपको लेनी पड़ती है। आप कहीं भी जाके, इसके अलग अलग ऑफिस वगैरह होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे आप जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, जो बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करके उसका सर्टिफिकेट सिंपली ले सकते हैं। इंडोज नंबर बेसिकली क्या होता है कि आपका आइडेंटिटी नंबर होता है, मतलब आप कौन हो, कौन सी जॉब कर रहे हो, कहाँ पे जाने वाले हो, एक नंबर दिया जाता है। जैसे आपने आर्मी वालों को देखा होगा, उनका एक नंबर होता है, परमानेंट नंबर, अगर उनको कुछ हो जाता है या वो गुम हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो उस नंबर से उनकी पहचान होती है। वो कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी वो नंबर मिल जाए तो उससे उस सिपाही की, उस आर्मी वाले की पहचान होती है। तो उसी तरह से ये आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको बोलते हैं इंडोज नंबर। तो ये एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो कि आपको लेना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट होता है फिजिकल फिट का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा। आपको दिखाना होगा कि आप फिजिकली फिट हो, आपका मेडिकल होगा, आपको सब कुछ देना पड़ेगा कि आप भाई फिजिकली फिट हो, उसके बाद आपको ये एंट्री करने देंगे। तो आपको फिजिकली फिट का भी सर्टिफिकेट देना होगा वहां पर। तो ये सारे पॉइंट है जो कि आपके पास होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो क्रूज लाइन के लिए। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ शेफ इन क्रूज शिप। सो क्रूज में कितनी सैलरी होती है शेफ की, ये अगला क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग करेंगे, अगर आपकी जॉब लग जाती है, बेसिकली मैंने जैसा कि आपको बताया एंट्री लेवल आपको मिलता है, अगर आप एंट्री लेवल पे अगर आप जॉब करते हैं क्रूज लाइन में, स्टार्टिंग सैलरी जो उसकी होती है वो होती है $800 to $1000, मतलब $800 to $1000 तक आपकी सैलरी होती है स्टार्टिंग, जो कि बाद में एक्सपीरियंस होने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो हो जाती है $1.5k या $2000 तक हो जाती है, मतलब $2000 तक या उससे भी ज्यादा तक
पहुंच जाती है आपकी सैलरी। बट अगर आप क्रूज लाइन में जाने वाले हो तो मैं आपको बता दूं कि क्रूज लाइन में लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रूज लाइन में काम करता है वो होता है 3 to 5 ईयर, मतलब 3 से 5 साल तक ही लोग क्रूज लाइन में काम करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको लाइफ टाइम तक करते हैं। लाइफ टाइम तक कोई बहुत मतलब बहुत मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जो करते हैं, क्योंकि फैमिली से आप दूर रहते हो, अमेरिका में अलग अलग कंट्री में आप जाते रहते हो। ठीक है, एक साथ छुट्टी मिलती है आपको, 3-3 महीने की छुट्टी मिलती है आपको, बट देखो इतनी दूर शिप में आप कहीं नीचे नहीं जा रहे हो, मतलब कभी कभी नीचे आपको जाना पड़ता है, ग्राउंड पर जाना पड़ता है, अलग अलग कंट्री में जाना पड़ता है, बट वो काफ़ी नहीं होता है। 2-3 साल तक बहुत मज़े आते हैं, 3-4 साल तक बहुत मज़े आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 5 साल तक जो है इन्जॉय कर सकता है, पैसे कमा सकता है, बट उसके बाद उसको अपनी फैमिली की याद आती है, दूसरी जॉब करने की, मतलब वो सोचता है कि भाई मैं दूसरी जॉब करता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ या होटल में चलता हूँ, ऐसी कुछ प्लानिंग बनने लग जाती है। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो है लॉन्ग पीरियड नहीं होता है क्रूज लाइन में। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और क्रूज लाइन में सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको ओवर टाइम दिया जाता है। अगर आपकी ड्यूटी जो है 12 घंटे की है तो उसके बाद आप जितने भी घंटे करोगे उसके आपको डॉलर्स मिलेंगे। डॉलर्स तो मतलब सैलरी आपकी होती होती है, बट ये कि आपको एक्स्ट्रा आर का पूरा पूरा पैसा मिलता है। सो यह है तीसरा क्वेश्चन जो कि शायद मुझको किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए शेफ इन क्रूज। सो क्या क्रूज लाइन में अगर आपको शेफ मतलब बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो मैं अब आपको बता दूं कि क्या क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। सी, इफ यू वांट टू बी अ शेफ इन क्रूज फील्ड यू शुड हैव अ डिप्लोमा और डिग्री सर्टिफिकेट। मतलब आपके पास डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए या तो डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब आपके पास होना चाहिए। एक बार अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 या 3 साल का, एटलीस्ट इन 4 या 5 स्टार होटल या फिर अच्छे से अच्छा रेस्टोरेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ए रिलेवेंट फील्ड। क्रूज लाइन में अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम कि एज जो है वो 20 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि आप 19 साल के हो, 20 साल के हो और आप अप्लाई कर रहे हो क्रूज लाइन के लिए, एटलीस्ट आपको 21 ईयर ओल्ड होना चाहिए। मैक्सिमम एज की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, आपकी एज कितनी भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये पूरा क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी तक बताया वो सब कुछ फुलफिल करते हो तो आपके लिए बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्रूज लाइन में जाने के लिए। आप सिंपली अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका पैशन होना चाहिए टू मेकिंग फूड और आपको लोगों को हंसाना, टू मेक देम हैप्पी, इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको यू शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इतना ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट इतना आनी चाहिए कि आप दूसरे को समझ सके। और उसके बाद आपकी जो फिजिकली स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट होनी चाहिए क्रूज लाइन में जाने के लिए। ऐसा ना हो कि आपके अंदर कोई कमी हो या आप स्विमिंग नहीं कर सकते हो या आपको पानी से डर लगता हो, इस तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, उसके बाद आप सिंपली क्रूज लाइन में अप्लाई कर सकते हो। लंबे टाइम तक आप सिर्फ सी में रहते हो, सिर्फ पूरे समुद्र में रहते हो, चारों तरफ जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ समुद्री समुद्र दिखता है, तो आप घर से दूर होते हो। अगर आप फैमिली वाले हो तो आपके लिए और भी टफ हो सकता है। 24 घंटा 7 दिन आप सिर्फ और सिर्फ सी में रहते हैं तो आपका मेंटली और फिजिकली स्टेमिना जो है एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। काम का लोड भी आपको बता दूं कि क्रूज लाइन बहुत हैवी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डॉलर ही डॉलर कमा रहे हो, जितना आप डॉलर कमा रहे हो उतना ही हैवी काम होता है। मैं आपको बता दूं अगर आप छोटी पोजीशन पर जा रहे हो, बेसिकली आपको एंट्री लेवल मिलता है जिसमें मैंने आपको बताया, तो एंट्री लेवल की जो जॉब होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है कंपेयर टू होटल लाइन। मेरे भी कई दोस्त क्रूज लाइन में है और वो लोग मुझे बताते हैं कि वहां पर कितना हैवी लोड दिया जाता है। सीडीपी पोजीशन का है या थोड़ी हाई पोजीशन का है तो उनके लिए जॉब उतनी टफ नहीं होती है, उनके अंडर में लोग काम करते हैं तो इतनी उनके लिए टफ नहीं होती है, बट जो एंट्री लेवल होते हैं जो ट्रेनिंग या कॉमी वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है वहां पर काम करना। बट फिर भी जो 6 महीने गुजार लेता है उसके बाद वो 8 महीने का वेट करता है, और 8 महीने गुजारने के बाद जब वो वैकेशन जाता है तो उसके बाद वो दोबारा आने के लिए पैशनेट रहता है कि मैं कब जाऊंगा, क्योंकि 3 महीने लगातार आपको वैकेशन मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। बट एक बार जब 2-3 साल आपको हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी फैमिली आ जाती है, आपके बच्चे, आपकी अपनी फैमिली, अपना परिवार, वो सब सोच के इंसान क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा 3 से 5 साल सिर्फ कर पाता है क्रूज लाइन में। और जिनको ज्यादा ही पैसे से प्यार होता है तो वो तो पूरी जिंदगी जो है क्रूज में बिता देते हैं। तो ठीक है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे को कोल्ड हो गया है सुबह से और बड़ी मुश्किल से मैंने ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मुझे बनाना था, आज मेरा ऑफ था और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाते रहता हूँ, तो अभी मुझे कोल्ड लगा हुआ है और तो इट्स ओके, आप लोग के लिए ये सब करना पड़ता है। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए सिर्फ ये 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन है।
होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बोला, आप मेरे को सिंपली कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और कहीं पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई पक्का करूँगा। सो गाइस सी यू देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।